जय साथियों, स्वागत है आपका वीएस अकेडमी के चैनल पर। आज आपको जेल उप अधीक्षक का जो 7 तारीख को फिजिकल होने वाला है उसके लिए हमारे पास जो एक कैंडिडेट है, इसका आज हम 4 तारीख को फाइनली टाइमिंग ट्रायल ले रहे हैं। इस टाइमिंग ट्रायल के पहले हमने बिल्कुल रेस्ट नहीं दिया इसको। मंडे को टाइमिंग ट्रायल लिया, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक इसको, मतलब कल तक इसको वर्कआउट करवाया, और आज हम टाइमिंग ले रहे हैं। सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस हो जाए, क्योंकि एक बार ये 237 के लगा चुका है। आज उम्मीद करते हैं कि जो टारगेट आपको बताया गया, पहला राउंड कितने में लगाना, 600 कितने में लगाना, उसको फॉलो करते हुए फुल एफर्ट लगाएंगे। आज हमारी बॉडी लोडेड है, थकी हुई बॉडी है, थकी हुई बॉडी के अंदर हम टाइमिंग ट्रायल ले रहे हैं, और ये बाकी लोग इसके सपोर्ट के लिए दौड़ रहे हैं। देखते हैं अब क्या टाइमिंग आता है। यस, गो। तो टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है आपके सामने जेल उप अधीक्षक के लिए, और ये जो बंदा जिसको हम दौड़ा रहे हैं, ये आपके सामने 2:37 का टाइमिंग पहले दे चुका है। आज दोबारा इसको दौड़वाया हमने, लगातार वर्कआउट कराया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इसको वर्कआउट पे ही रखा, और कल भी वर्कआउट कराया, और आज टाइमिंग ट्रायल ले रहे हैं क्योंकि 4 तारीख आज है। 5 और 6 को पूरा रेस्ट देंगे इसको, और 7 तारीख को ये वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देगा। तो अब ये टाइमिंग आज अगर जो पहले से बेहतर लाता है या पहले जैसा लेके आता है तो हम कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, क्योंकि जब बॉडी लोडेड है, बॉडी के ऊपर लोड है, रिकवरी बिल्कुल नहीं है। मंडे को टाइमिंग ट्रायल दिया, उसको शाम को वर्कआउट किया, ट्यूसडे को वर्कआउट किया, वेडनेसडे को वर्कआउट किया, और उसी वर्कआउट के लोड में आज टाइमिंग दे रहा है। यदि आज ये टाइमिंग 2:40 के अंदर लेके आता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर जब 2 दिन की रिकवरी होगी इसकी, 5 और 6 की, उस रिकवरी के अंदर बहुत अच्छा टाइमिंग यह लेकर आएगा। अभी देखते हैं कि जो टारगेट मैंने इसको दिया है उस टारगेट के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने इसको कहा है कि 1:10, 1:12 के आसपास आपको पहला राउंड लगाना है, 1:55 के आसपास इसको 600 लगाना है, और बेटा हाथ चला, हाथ चला, हाथ चला, हाथ चला, 1:11, 1:12, 1:13। तो पहला राउंड जो है बेटा करो के पास, पहला ट्रिक के पास, पहला ट्रिक के इनर लाइन, इनर लाइन, इनर लाइन के पास में टारगेट दिया उससे 1:12 तक का टारगेट था, तो 1 सेकेंड थोड़ा सा लेट है, और थोड़ा सा बॉडी पे लोड डेड जरूर है क्योंकि थकी हुई बॉडी है। इसने पहले जो है 2 दिन तक लगातार वर्कआउट कर रखा है, 3 दिन का वर्कआउट बॉडी पे लोडेड है, रिकवरी बिल्कुल नहीं है। पिछली बार हमने इसका मंडे को टाइमिंग लिया था, उस टाइम इसका संडे को हमने इसको रेस्ट दे रखा था, रिकवरी थी। और अब बताऊँगा आपको कि 600 कितना जाता है, 1:48, 1:49, 1:50 और 1:52, 1:53, 1:54 और 1:55। जो मैंने टारगेट दिया था उसको 1:55 में 600 पहुँचने का था, 1:55 में 600 मतलब से लगा दिया है। तो पहला टारगेट इसको मैंने 1:12 के आसपास दिया था, तो इसने 1:13 लगाया, 1:55 का मैंने इसको 600 दिया था, 1:600 इतना पेस लेके चलना है, 1:600 में लगाए, 1:55 में 600 लगाया, तो इसने वो तो कम्प्लीट कर दिया है। क्योंकि मैं पेस सेटिंग भी वर्कआउट कराया, क्योंकि 15 से 20 दिन का ही इसको ट्रेनिंग दिया है। अब ये 2:19 लगा देगा, उठा ले, उठा ले, उठा ले, 2:40 के अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा टारगेट, कोई बॉडी लोडेड है फिर भी 2:40 के अंदर आएगा। 35, 36, 37, 38, 2:38 में इसने फिर लगाया है, और मैं ज़्यादा समझता हूँ बॉडी लोड पे है, 3 दिन का वर्कआउट लगातार करे हुए हैं, थकान है, थकान के बावजूद हमने टाइमिंग दिया है, बहुत अच्छा टाइमिंग हमारा है 2:38। लेकिन आपके सामने बंदा देख रहा है, जब आदमी फुल एफर्ट लगाता है तो वो आके यहाँ पे गिर जाता है। अभी नाटक मत कर, ये बंदा फुल एफर्ट लगा नहीं रहा है, फुल एफर्ट लगाएगा तो 2:30 की लगाएगा, ठीक है। इतनी ईजी आपने देखा है, आप लोग टाइमिंग ट्रायल देना, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या, इतनी ईजी आप 800 मीटर लगा के खड़े रह सकते हैं, ये आपको गलती नहीं करना है, आपको फुल एफर्ट लगाना। कंपटीशन है, कंपटीशन यदि कुछ बचा रहेगा, फिनिशिंग लाइन के पहले पहले आपने जो एफर्ट लगा लिया वही काम आने, फिनिशिंग लाइन के बाद के एफर्ट कोई भी काम नहीं आने आपके। तो आपके सामने पंकज ने दोबारा टाइमिंग लगाया है, लोडेड बॉडी में लगाया है, 3 दिन के वर्कआउट लगातार कंटिन्यू कर रहा है, सीन में भी पेन है, वर्कआउट लोडेड है, लेकिन पेस सेटिंग वर्कआउट इतना अच्छा कराया, उस पेस से मैंने टारगेट दिया उसको 1:12 के अंदर, हमने 1:13 में लगाया, लेकिन वहाँ तो मैं 1:55 में चले गए थे, 600 ने 1:55 बोला था आपको, वो आपने कंप्लीट किया। लास्ट का 200 आपने थोड़ा सा एफर्ट्स कम लगाए, फुल एफर्ट लगाने, उम्मीद करते हैं कि यही आपको अगला इंटरव्यू दिखाऊंगा कि पंकज जो है 2:30, 32 के अंदर 800 मीटर वहाँ लगा के आएगा जेल अधीक्षक के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।